आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दर्दनाक नज़ारे सामने आ रहे हैं दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, फ्लड्स आ गए हैं। वेलकम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का वेलकम करिए। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग ने की हैं, कार्बन एमिट कर करके, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स जो होता है ना उसको जला जला के, एसी यूज़ कर करके। अब जो है कि मतलब हो क्या रहा है कि अब जो धरती का पूरा टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, और एवरेज चेंज अब 1.5 डिग्री तक तो आ ही गया है। 2 डिग्री तक अगर चला गया, 2 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और इसके इम्पैक्ट आप देख ही रहे हैं, जो वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, और पे परमानेंट चेंजेस हैं, मौसम शिफ्ट हो रहे हैं, आइस कैप्स जो हैं वो पिघल रही हैं, हर जगह बाढ़ आ रही है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि क्या सर ग्लोबल वार्मिंग, क्या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज, क्या फर्क पड़ता है, ये एवरेज चेंज है दोस्तों। एवरेज चेंज, एवरेज मतलब पूरी दुनिया का एवरेज चेंज है ये। 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, हमारी धरती का टेम्परेचर है, तो गर्म हो रही है हमारी धरती, तो ये एवरेज है। समझ रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि एक हर हर देश में 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री से बढ़ रहा है, और ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.01 का भी चेंज अगर होता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, हो सकता है किसी देश में 55 डिग्री तक चला जाए, हो सकता है किसी देश में 48 डिग्री तक चला जाए, तो ये एवरेज है 2 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं फ्लड्स पे, बाढ़ पे, ठीक है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाल ही में बिहार में बाढ़ आई है और ऐसे दर्दनाक सीन सामने आए हैं, देखने को आए हैं, लोग इतने तड़प रहे हैं, पूरा गांव का गांव खाली हो जा रहा है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो रिक्शे वाला है उसके सर तक पानी भरा है और उसको अपनी रोजी रोटी चलानी है, ठीक है ना, तो तब भी वो रिक्शा खींच रहा है। तो ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि फ्लड्स हमारे हाथ में नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। तो सही कह रहे हैं वो, एक मतलब एक तरीके से तो सही है, ये प्राकृतिक, अब नेचर किसी के हाथ में तो होता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बोलना कि हम इसको कंट्रोल, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, अब ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे, और फ्लड्स की भी बात करेंगे, ठीक है ना। और ये सब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से सब कुछ इसी से रिलेटेड है। पेड़ों को काटा जा रहा है, कार्बन एमिट हो मतलब कार्बन एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका में तो भर भर के, अमेरिका में जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो पूरी दुनिया में जो 70% कार्बन एमिशन होता है ना उसके रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसी मतलब स्थिति अब आ गई है। तो चलिए हम इस लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम फ्लड्स इन इंडिया एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो दोस्तों सबसे पहले तो फ्लड्स होता क्या आपको पता ही है, बाढ़, पानी का एक्सेस में आना, जल भराव हो जाना, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, नदियों के द्वारा, देखिए रिवर्स के द्वारा कैसे होता है। कोसी दामोदर, कोसी सौरव बिहार दामोदर, आपको पता ही है वो बाढ़ आती रहती है हमारे बंगाल साइड में। तो ये इसलिए होता है कि कभी कभी नदियां जो है वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, ठीक है ना। नदियां जो है अपने साथ साथ, अब मैंने पूरा इस पे लेक्चर कवर किया है ज्योग्राफी पे, सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। नदियां जो है अपने साथ साथ सिल्ट लेके आती हैं, चट्टाने लेके आती हैं, ठीक है, तो उन्हीं की वजह से इनका रास्ता बदल जाता है। तो कभी कभी बिहार में तो ऐसा होता है कि लोग गांव में सो रहे होते हैं और कोसी नदी खटिया के नीचे से बहने लगती है, तो रास्ता बदल जाता है नदियों का, जिसकी वजह से गांव के गांव डूब जाते हैं, ठीक है। बारिश जब बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है, उसकी वजह से जो अभी हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से सब कुछ डूब रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बादल फट गया, जैसे उत्तराखंड में हुआ था 2013 में, उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में जब बादल फटा था, ऐसा माना जाता है कि 5800 लोगों की, वैसे तो बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, लेकिन 5800 लोग, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि करीब करीब इतने लोगों की इसमें जान गई थी, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। डैम्स, ये मैन मेड होता है, जैसे अभी आप नर्मदा का देख रहे हैं, सरदार सरोवर का देख रहे हैं, कि सारे गेट्स खोल दिए। केरल में यही हुआ था, तो आप पिछले साल 2018 में केरल में जब बाढ़ आई थी, 445 लोग उसमें मारे गए थे, तो उसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने सारे डैम्स एक साथ खोल दिए थे, गांव के गांव डूब गए, और ऊपर से बारिश, बारिश प्लस डैम का पानी, हो गई बर्बादी। मेधा पाटकर
सरदार सरोवर डैम के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, 30 सालों से वो लड़ाई कर रही है और इस समय तो बहुत बुरी हालत है सरदार सरोवर गुजरात महाराष्ट्र एमपी को पानी देने के लिए। ठीक है, ये सरदार सरोवर डैम जो है वो बनाया गया था और इसमें बार बार ये बोला जा रहा था कि अगर आप इसके मतलब ये जो डैम बनाएंगे तो गांव डूब जाएंगे, तो इसके लिए लोगों को विस्थापित किया गया। अब जब लोगों को विस्थापित किया गया तो उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, ऐसे ही विस्थापित कर दिया गया, कुछ नहीं मिला उनको। उनके हक के लिए मेधा पाटकर तब से लड़ रही है और ये मैन मेड होता है कि डैम्स के एकदम से दरवाजे खोल दिए, पानी आया, सब कुछ डूब गया। और ये अक्सर देखने को मिलता है मीडिया में, आप बहुत कम इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे क्योंकि मीडिया आप कुछ और ही करने लगा है, वो आपको पता ही है। तो ऐसे फ्लड्स आते हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है बाढ़ आने के। अब दोस्तों, बाढ़ तो बहुत पहले से आ रही है लेकिन पिछले 4-5 सालों से बहुत बुरी कंडीशन हो गई, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर जगह हो रहा है। चाइना में आपने देखा कितनी भयंकर तरीके से बाढ़ आई, ठीक है, भारत में तो 13 स्टेट्स में बाढ़ आई है, ठीक है, आधा हिंदुस्तान बाढ़ से प्रभावित है। और ये वो एरिया ज्यादा है जहां पे जो नदी के किनारे हैं, ठीक है, जो स्टेट्स नदी के किनारे उसमें तो बाढ़ आएगी ही आएगी। एक तो नदी का पानी, ऊपर से बारिश। अब ये दो, अब दोस्तों इस समय ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है और अभी आने वाला जो है ये रिट्रीटिंग मानसून है। अब मानसून पे मैंने पूरा लेक्चर कवर किया है, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड्स यहां पे मई जून में आती हैं, उसके बाद वापस यही विंड्स वापस जाती हैं, ठीक है, तो इनको रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है, तो अपने साथ बारिश लेके आती है, लेकिन बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। 200 से ज्यादा लोग, अभी तो साल खत्म नहीं हुआ, 200 से ज्यादा लोगों की यहां पे जाने गई हैं बाढ़ से और हजारों लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। एक बड़ी एक तस्वीर में देख रहा था, एनडीटीवी पर रिपोर्टिंग देख रहा था, तो कि उसमें एक महिला थी, बूढ़ी महिला थी, उसको अपना घर नहीं छोड़ना था लेकिन उसका घर पूरा पानी से भर गया था, तो उसको निकाला जा रहा था और वो बिल्कुल रो रही थी, बेलक रही थी कि मुझे घर छोड़ना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत लोग प्रभावित हैं, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और अभी हाल में, अभी इस समय बिहार में 29 लोगों की मौत हो गई है और बिहार के पटना में, पटना को क्या बताओ दोस्तों, पटना को तो एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो चल रहा है भारत में, ठीक है, उसमें पटना भी है और पटना का बिल्कुल कायाकल्प करने की बात की गई थी। वहां की जो मेयर है, क्या नाम है, सीता साहू शायद नाम है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी लेकिन एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं और ना ही कुछ हो रहा है। अगर ऐसा हुआ होता तो आज पटना अलग ही लेवल पे होता, बिहार की कैपिटल है, बिहार की राजधानी है, ठीक है ना, बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप सिटी है तो वो पटना है, ठीक है। और पटना की जब ऐसी हालत है, वहां पे जब रिहायशी इलाकों में पानी चला गया है, तो आप छोटे छोटे गांव की हालत समझ सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत दिक्कत। हालांकि एनडीआरएफ टीम्स और सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन फिर वही बात है, ठीक है, जो नीतीश कुमार ने बोला, लेकिन इसको रोका जा सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, साइंस है हमारे पास, हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है, कैसे रोकेंगे अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2017 में भी फ्लड्स आया गुजरात में, बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आई थी, 200 लोग उसमें मरे थे। फिर पिछले साल केरल में फ्लड्स आया, लेकिन 2019 में 13 स्टेट्स में फ्लड्स आए हैं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में आसाम पूरा डूब गया था, आपने देखी थी ना काजीरंगा की तस्वीरें, पूरा जंगल डूब गया था और जो जानवर थे वो एक छोटी सी चट्टान के ऊपर खड़े होकर पना ले रहे थे ताकि वो ना डूबे, ठीक है, कितने जानवर मर गए, और इनकी तो कोई आवाज ही नहीं होती है जो जानवर होते, कितने जानवर मर गए, पूरा आसाम डूब गया था। और ज्यादा बात भी नहीं हुई आसाम में, जो बाढ़ आई थी इतनी ज्यादा बात नहीं हुई मीडिया में, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद फिर हमने महाराष्ट्र में तो हमेशा ही फ्लड्स आ रहा, अभी देख रहे हैं आपकी आरे फॉरेस्ट, वहां पे उनको पूरे उसको काटने की वो चल रही है, एकमात्र वो बचा है, अगर उसको भी काट दिया गया तो पूरा महाराष्ट्र डूब जाएगा। फिर वो तो हर साल महाराष्ट्र की मीठी नदी पूरी सूख गई है, वो नाला बन गई है, इतना बेहतरीन मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम है, मीठी नदी पानी जो है वो उस नदी से होते हुए अपने आप अरेबियन सी में चला जाता है, लेकिन उसको सुखा दिया है, कूड़ा फेंक फेंक के वो सब कुछ जाम हो गया है, पूरी नदी जो है पूरा मुंबई जो है वो डूब जाता है जब भी बारिश आती है, पानी जब तक निकलेगा नहीं, आपके घर में पानी भर गया है, अब आप उसको रास्ता देंगे कि वो बाहर निकले, अगर नहीं निकलेगा तो घर तो डूबता जाएगा ना, यही मुंबई की हालत है, रास्ता ही नहीं मिलता है पानी को, निकले कहां से, तो लाखों लाखों लोग मरते, लाखों लाखों लोग डिस्प्लेस होते हैं, इफेक्ट होते हैं, हजारों हजारों लोग मर जाते हैं, यही चीज चल रही है। अब पता नहीं है कब कंट्रोल किया जाएगा, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, हर जगह, आसाम हो गया, 13 स्टेट्स में बाढ़ है और अभी बिहार हो गया। हालांकि कॉम्पनसेशन देती है 15,000, कुछ सरकारें 10,000, लेकिन इन सबसे होगा क्या, एक इंसान की जिंदगी तो चली गई ना, वो तो मर गया,
क्या होगा, फिर डैम्स डैम्स खोल दिए जाते हैं, ठीक है, नर्मदा रिवर के अभी सरदार सरोवर के डैम्स खोल दिए गए, वहां पे गांव के गांव डूब गए सरदार सरोवर के डैम्स में, ठीक है, तो यहां पे बहुत दिक्कत है। एमपी में डैम की वजह से बाढ़ आ गई, सरदार सरोवर की वजह से बाढ़ आ गई, तो अब क्या किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए आसाम और बिहार की कंडीशन क्या थी, ठीक है, आसाम में तो बहुत ही जबरदस्त 5 जुलाई में पूरी जुलाई भर आसाम डूबा रहा और बड़ी बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी आसाम की, 90 लाख लोग इफेक्ट हुए थे। और बिहार की बात करें तो बिहार की जनसंख्या लगभग लगभग 20 लाख है, ठीक है, और वहां पे इस समय बहुत बुरी हालत है। एनडीआरएफ की टीम हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी तक 42,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुशील मोदी, तो उनको भी उनके घर में भी पानी आ गया था। वो ये बोल रहे थे कि परेशान मत होइए, सब कुछ सही है, और उसके कुछ ही टाइम बाद ये तस्वीर आती है कि उन्हीं को ही बचा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अभी भी उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि वो खड़े हुए हैं और पूरे परिवार के साथ खड़े हुए हैं, किसी तरीके से उनको बचाया गया एनडीआरएफ की टीम में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि फ्लड को कंट्रोल कैसे करना है। ये सब तो बाढ़ के हालात हैं, आप देख ही रहे हैं, न्यूज आती ही रहती है कितनी बुरी हालत है। देखिए फ्लड को कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण तरीका तो यही है कि पहले तो क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, पेड़ लगाए जाए। देखिए होता क्या है कि जब पेड़ पानी को भी सोखता है और ठीक है, और जब आप पेड़ लगाते हैं तो वो अपनी वो पूरी जो मट्टी होती है उसको भी फर्टाइल बनाता है, ठीक है ना, तो जब पानी आता है छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है, पानी इन्फिल्ट्रेट करता है, अंदर चला जाता है, मतलब पानी जमीन पे आया अंदर चला गया, क्यों, छोटे छोटे ये परमिएबिलिटी होती है, छेद होते हैं यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे वाटर टेबल भी बढ़ता है। अब इस पे भी मैंने पूरा लेक्चर सब ज्योग्राफी कवर किया, वाटर टेबल बढ़ेगा तो वाटर क्राइसिस भी नहीं होगी, पानी निकाल लेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है पिछले बीते कुछ सालों में कि एक तो ये तस्वीर है, ये पहले की तस्वीर है, ठीक है, वैसे भी भारत में 25 साल का बाढ़ का रिकॉर्ड टूट गया है और महाराष्ट्र में तो इतनी रिकॉर्ड जो रेनफॉल है और जो पानी भरा है 1961 में से पहले हुई थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तो एक तस्वीर है, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडियल कंडीशन है, ठीक है, कि यहाँ पे जो पानी है वो अच्छे से इन्फिल्ट्रेट कर जाए और ग्राउंड को भी पूरा कवर करे, ठीक है, वाटर टेबल भी हमारा बढ़े। लेकिन ये आज की तस्वीर है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 25% शैलो इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ऊपरी सतह पे इतना पानी 25% बढ़ेगा जब भी पानी बरसेगा, बहुत बढ़िया है, ये 10% हो गया है, अब तो और भी कम होता जा रहा है। और डीप इन्फिल्ट्रेशन जहाँ पे 25% यहाँ पे है, ठीक है, 5% हो गया है। वो क्यों हो गया है, इंडस्ट्रीज पेड़ों को काट के यहाँ पे सीमेंट लगा देते हैं, सीमेंट इन छेद को जो भी परमिएबिलिटी उन सबको कवर कर देता है, जो मटेरियल्स होते हैं वो भी बिल्कुल कवर कर देते हैं, ठीक है, सॉयल को मट्टी को जो फर्टाइल होती है उसको पूरा मार दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरों में पानी भर जाता है और लोग इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे रहने वाले प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब वही बात है कि सबसे पहले तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, डैम्स, डैम्स का काम बहुत ज्यादा होता है, आप ये मत समझिएगा कि यहां पे मैंने थोड़ी बुराई कर दी, तो ये इसका मतलब नहीं है कि डैम्स का कोई काम नहीं है। डैम्स के द्वारा हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। रिजर्वॉयर्स होते हैं ना डैम्स में, आपने देखा होगा, ये गेट्स क्या होते हैं, ये पानी होता है, ये रिजर्वॉयर्स में पानी होता है, गेट्स के थ्रू बंद होता है, और जब इन गेट्स को खोला जाता है तो पानी जो है इन रिजर्वॉयर से फिर रिलीज होता है जो गांव को डुबा देता है। लेकिन ये पानी को स्टोर भी तो करता है ना, ठीक, आप वैसे ही समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, आप कम से कम 100 बाल्टी लेके आए हैं, बड़े बड़े टब लेके आए हैं, तो जो पानी है आप अपने घर से निकाल के उस टब में डाल देंगे। रिजर्वॉयर ये यही बड़ा टब होता है, यहां पे जो बाढ़ का पानी आया है, जो नदी बहुत ज्यादा भर गई है, उसको पूरा स्टोर कर लेता है, तो जो एक्सेस वाटर होता है वो इन रिजर्वॉयर्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है, और जितनी ज्यादा हाइट होगी, हालांकि ज्यादा हाइट भी ये भी खतरे की घंटी होती है, क्योंकि डैम्स के अच्छे यूज भी है, और फिर अगर पानी एकदम से छोड़ा गया तो फिर गांव भी डूब जाते हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं होता है। फिर कैनाल्स का यूज, कैनाल को हम देखिए, नहर होती है जो छोटी छोटी, उसका भी यूज हम कर सकते हैं। अब इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बाढ़ आई है बाढ़ का पानी हम नहरों से जोड़ दें, ठीक है, छोटी 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 एक सिस्टम बनाए, प्रॉपर एक सिस्टम बनाए, बाढ़ का पानी तुरंत प्रॉपर ड्रेन हो जाए नहरों में, और वो नहरों जो नहर है जो कैनाल्स है वो कोई बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट हो, या तो कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिया जाए, खूब बड़ा सा तालाब बना दिया जाए,
और शहरों में छोटी छोटी नहरें हैं, ठीक है। वैसे तो हर शहर में आपको नहर दिखी जाएगी, ज्यादातर में कूड़ा ही पड़ा रहता है, जो नाले होती हैं, नहर होते हैं, ठीक है, नाले इसीलिए बनाए जाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड हो, ठीक है। अब जो भी पानी आ रहा है कैनाल से, नालों से, वो एक जगह पे गिरे, या तो इस तरीके के तालाब हो वहां पे गिरे, पानी स्टोर हो जाए। तो ये डुअल काम हो जाएगा, दो काम हो जाएंगे एक साथ। एक तो पानी भी, फ्लड्स का पानी भी कंट्रोल, मतलब साफ हो जाएगा, ठीक है, जो बाढ़ आई है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, साथ ही साथ पानी भी मिल जाएगा एक्सेस हमको। दूसरा हम एक और चीज कर सकते हैं, ये कैनाल्स को वाटर बॉडी से जोड़ दें, ठीक है, बड़ी बड़ी नदी से जोड़ दें, और फिर नदी आपको पता है ये समुद्र में तो गिरती ही गिरती है। तो ये बाढ़ कंट्रोल करने का तरीका एक बहुत ही एफिशिएंट वे है, और कैनाल्स आपको मिलेंगे, ये सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से इनको हैंडल किया जाता है वो बड़ा बेकार है। ज्यादातर नालियों में तो कूड़ा ही पड़ा रहता है, वो जाम हो जाती है। मुंबई में यही हुआ है, मीठी नदी इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन वो पूरा जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। जब भी बारिश होती है पूरी मुंबई डूब जाती है। बेटर फ्लड वार्निंग सिस्टम, ठीक है, IMD की रिपोर्ट अच्छे से, ठीक है, पहले से ही बता दिया जाए कि बाढ़ आने वाली है। अब कभी कभी तो हम सब कुछ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि भैया ये तो नेचर है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यहां पे इस तरीके के वार्निंग सिस्टम काम आते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि लोगों को पहले से ही हम विस्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना, लोगों को हम रिलीफ कैंप्स में ले जा सकते हैं। ये बहुत एक मॉडर्न टेक्निक और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज को तो हमको टैकल करना ही है, कार्बन एमिशंस को कम करना है, ताकि टेम्परेचर ना बढ़े। ये जो बाढ़ आ रही है ये सीधा सीधा इसका रिलेशन क्लाइमेट चेंज से ही है, ठीक है। उसके बाद पानी, एफॉरेस्टेशन, आई मीन पेड़, पेड़ों को जितना लगाएंगे उतना अच्छा होगा। पेड़ क्या करता है, एक तो जैसा कि मैंने बताया पोरोसिटी ज्यादा हो जाती है, फिर पेड़ क्या करता है कि वो पानी को सोखता भी है, ठीक है ना, वो एब्जॉर्ब भी करता है, और इवेपोरेशन भी वहां पे बहुत अच्छे से होता है, आप जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो बाढ़ को अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं, भैया पानी ही, पेड़ पानी ही खा के तो जिंदा रहते हैं, पी के जिंदा रहते हैं, वो तो उनका मेन फूड है, ठीक है। उसके बिना सनलाइट एंड वाटर, उसके बिना तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो लगाओ पेड़ ढेर सारे, ठीक है, क्या दिक्कत है। हालांकि भारत ने बीते सालों में अच्छा काम किया है, पेड़ बहुत सारे नए पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है डैम्स के चक्कर में, आरे फॉरेस्ट को पूरा मुंबई में, वो जो एकमात्र जगह है इस समय जो बची हुई है कि मुंबई में बाढ़ आती है और वहां पे वो पानी जो आरे रीजन है वहां पे जगह जमा हो जाता है, उसको भी अभी मेट्रो के लिए काटा जा रहा है कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बनाएंगे तो ये पूरा हटा देंगे। उस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे, इतने मुझे तो बड़ा ही देख के बहुत अच्छा लगा कि एक यंग लीडर, शिवसेना के आदित्य ठाकरे, कैसे इशू उठा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। आदित्य ठाकरे आरे का इशू उठा रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, अब तो शायद चुनाव भी लड़ रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स तो खुल के बात कर रहे हैं। फिर सॉयल कंडीशंस भी इंप्रूव होती है, इंप्रूव करनी चाहिए। अब इंप्रूव सॉयल कंडीशंस का क्या है कि सॉयल, ये जो मट्टी होती है, ठीक है, ये भी पानी को सोखती है। मट्टी की पोरोसिटी ही डिफाइन करेगी कि कितना पानी नीचे जाएगा। तो इसकी कंडीशन को हम लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। फ्लड्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है ना, फ्लड्स सॉयल को भी फर्टाइल बनाती है और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेके आती है। तो जब ये चीजें थमती हैं तो जो सॉयल है वो और ज्यादा, जो मट्टी है वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम फ्लड बैरियर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। फ्लड बैरियर्स क्या, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दीजिए, बड़ी बड़ी फेंसेस लगा दीजिए, और तो जो पानी का बहाव है वो वहीं तक ही सीमित रहेगा। ये नदियों के लिए ज्यादा होता है कि नदियों का जब बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, अब नदियों का लेवल बढ़ेगा तो आसपास जितने भी गांव है, शहर है, वो डूब ही जाएंगे। तो नदियों का जब लेवल बढ़े और खूब बड़े बड़े फेंसेज जब आप लगा रहे हैं, आप बैरियर्स लगा रहे हैं, तो वो शहर में नहीं घुसेगा। शहर के किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे आप बैरियर्स लगा दीजिए, बड़े बड़े, जहां पे आपको लग रहा है जहां से पानी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो वो एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। लेकिन पता ये सबको है, इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, तभी बाढ़ आती है। तो ये सारे मेथड्स थे। अब इसमें से तीन चार भी अगर अप्लाई हो गए तो बहुत अच्छा होगा, फ्लड कंट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो डेफिनेटली हमारे हाथ में चीजें नहीं रहती हैं। तो ये लेक्चर था, बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, और हम तो यही आशा करेंगे कि जल्दी से ये जो बाढ़ है, ये आफत की बारिश है, ये रुके और सब कुछ कंट्रोल में आए। अब जाड़ा आने वाला है, ठंड आने वाली है, ठीक है, अब ठंडी को आप लोग इंजॉय करें, और हमारी तो बहुत ही सहानुभूति है, और जितना कोई डोनेट भी कर सकता है आप जरूर करें, ठीक है, फ्लड रिलीफ फंड में।
ये सारी चीजें हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।